गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नया व्लॉग उन लोगों के लिए आ गया है। सो अच्छा नया दिन ही बोलूँगा, रात नहीं हो रही है, वरना अक्सर मेरे व्लॉग्स रात में ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार चले आओ और ना डब्लू डी लेके आओ, चाबी उसे ले लो। ये देखो कोई तरीका, ये कोई तरीका ऐसी। अब गुस्सा हूँ, अभी मैं घर में गुस्सा भी नहीं। अब्बा ने मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, बोला जब बेटा डबल रोटी लिया, दिस इज नो तरीका। सो हाँ ऐसे ही होता है हमारे पास, कह रहे से कभी हुआ नहीं है, पहली बार ही हुआ। अब्बा आए बेटा वापिस जा, मुझे घर से निकाल के नहीं, उन्होंने बोला डबल रोटी लेगा। वो अब चाहते हैं डबल रोटी लेने। ये वन शॉट है यार, मुश्किल होता है वन शॉट, पर एडिटिंग करने में फिर आसानी हो जाएगी वन शॉट बनाना। मैं सो यार मैं लंबी नहीं करूँगा ना, बहुत बड़ा ड्रैग हो जाएगा, वीडियोस लंबी हो ही है मेरी, आई नो, और फजूल लंबी हो रही है, पर व्यू टाइम के लिए करना पड़ता है। तो मिलते हैं डबल रोटी लेने के बाद। डबल रोटी ले लिए और मैंने वापस कर दिया था, पर डबल रोटी हमने ले ली है। या मैं सोच रहा था ना तो लोगों को दिखाऊं मैं क्या करता हूँ, तो जिम सीरीज वापस से, जैसे मैंने बोला जिम सीरीज ही है ये भी, इससे थोड़ा बहुत घर के काम वाम दिखाती है तो मैं डेली लाइफ दिखाती, वरना है तो ये जिम सीरीज ही कॉन्टेंट नहीं होता है अक्सर। जब ये डबल रोटी और ये साथ कुछ भी नहीं है जैसे तुम लोग देख सकते हो, और मैं फुल अंधेरे में खड़ा। तो तुम लोग मुझे ये बताओ, घर का सामान लेते हुए तुम में से कौन कौन है जो पैसे मारता है, कॉमेंट में बताओ लग से। सो गाइस ये दो जूते ने मेरे पास किए हैं, और एक ही नीचे ब्लैक वाले, ये नए हैं ये पुराने हैं, लेकिन ये ओरिजिनल है। ये मैंने लिए थे आज से कोई 4-5 साल पहले, जब जूतों का इतना फैशन नहीं था तब लिए थे मैंने। ये मुझे मिले थे 7,000 रुपये के, 7-8 हज़ार के, जाके एडिडास की ओरिजिनल से लेकर आया था मैं आउटलेट से। ये तो भाई ने ऑर्डर पर मंगवाया था और भाई ने यूज़ नहीं किया तो उसने मुझे गिफ्ट कर दिया। हमारे पास ये होता है अक्सर चीज़ें। सो ओरिजिनल में ये देखो उनका हाल ख़राब हो गया ऊपर से, मगर फिर भी इसका जो कंफर्ट है ना वो फर्स्ट कॉपी में नहीं आती। ये 7,000 के, वो जो फर्स्ट कॉपी वो 21,000 रुपये की है, पर फिर भी वो ज़्यादा मज़ा देती है। ये जूते बाउंस के मोज़े पहनता हूँ मैं, उनकी भी हालत ख़राब है, लेकिन जो चीज़ ओरिजिनल है ओरिजिनल के अलग ही मज़ा आता है। तो ये वैसे तो मेरा जो लुक है ना मैं दिखाता हूँ, ये शर्ट, ये ब्लैक ट्राउज़र मेरा फेवरेट। सो ब्लैक के साथ ही अच्छा लगेगा वो, ब्लैक शूज और से ज़्यादा, लेकिन फिर भी ओरिजिनल पहनता हूँ। जिम जा रहे तो आपको कंफर्ट चीज़ में देखनी चाहिए। तो मिलते हैं जिम जाने के बाद। तो बॉयज़ जिम आ गए हैं, और मुझे यार भी सात भाई तो हैं, जो सात भाई के साथ कोई कंपटीशन आएंगे। वैसे तो मैं लोगों को बताने जा रहा था जिम में रूटीन क्या है। आज है हमारा चेस्ट डे, 3 दिन की छुट्टियों के बाद, मुहर्रम की 3 दिन की छुट्टियों के बाद आज है हमारा चेस्ट डे। वैसे यार ट्राइसेप मार लिया था, लेग नहीं मारती, बट लेग प्रेस मारने के बाद वो हुआ नहीं कोई ट्राइपॉड। ये हमारे शाजिब भाई हैं, ये जिम में ट्रेनर हैं, गेमें खेलना सिखाते बच्चों को। तो ये आ गया ट्राइपॉड, और अब तुम लोगों को पूरी कवरेज देंगे। और ये साइड से साथ भाई आ रहे हैं, मैंने गाने धुनना लगाए। तो तुम लोगों को आज दिखाते हैं चेस्ट डे में हम लोग कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं, पहले तो हम फ्रंट लगाएंगे। तो ट्राइपॉड आ गया है, सो ट्राइपॉड पहले से था, और तुम लोगों को बताऊँ चीप फूड चैलेंज भी हमने जिम में ही करा था। हंसी आ रही मुझे, जिम में हम लोग ऑयली चीज़ें खा रहे थे उस दिन। साथ में लेटेस्ट वीडियो देखी तुमने? नहीं यार। उसमें यार तुम्हारा हल्का सा फेस आ गया, अब बर्दाश्त करो थोड़ा। सब मैं तुम लोगों को फ्रेंड लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं, सही? अब इमोजी कौन ढूंढे यार, इसमें भी कोई वॉइस नहीं है, कुछ भी नहीं। ट्राइपॉड सेट किया है हमने, ऐसे आ चुके हैं ऊपर का दिखे। मैं इसको डालूँगा 5 पे, 6 5 30 30 केजी उठाएंगे। और तो मेरा फेस आ रहा हो तो
तो 12 का एक सेट होता है, मैं तुम्हें तीनों सेट तो दिखाऊंगा नहीं, इतना अच्छा नहीं हूँ मैं, जो है तुम लोग भी बोलोगे वीडियो फजूल की ड्रैग हो रही है। सब अगले ये तीन सेट लगा थे, मैं अगले एक्सरसाइज पे चलता हूँ। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं, तो लोग ट्राइपॉड भी दिख रहा हूँ, मैं भी दिख रहा हूँ, तो ये अच्छा है। तो हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई लगाने, तीन सेट के बाद बटरफ्लाई के तीन सेट चार। तो कहीं मोटे होने का एक नुकसान भी है, अब यहाँ से आपको ये जो पूरा सो आगे करना है, फिर वहाँ से जाना, वरना पतले लोग यूँ निकलते अपने रास्ते के भी है, यहाँ से आप यूँ करके निकल गए, लेकिन कौन वहाँ से जाए, जबकि वो ज़्यादा करीब ही दूर है, लेकिन मैं फिर भी वहीं से जाता। सो मैं तुम लोगों को अपने एंड ऑफ, मतलब जब सारा वर्कआउट हो जाएगा उसके बाद मैं आपके बचपन की फ़ोटो दिखाऊँगा, और एक अभी की जो तुम लोग खुद ही देखते हो, अभी की दिखा नहीं रहा, शायद ही कोई हो यार, तो तुम लोग खुद फ़र्क देख लेना यार, जिम करने से कितना फ़र्क आता है इंसान की बॉडी में। तो अब ये सेट कंप्लीट करते हैं, फिर अगले एक्सरसाइज पे जाते हैं। ओके, चेस्ट की मेन एक्सरसाइज बोलते हैं उसे, ये है अपना मेन तो नहीं बोलती हूँ वैसे, पता लगा कोई बॉडी बिल्डर भी देख रहा है तो उसके लोगों बोले मेन एक्सरसाइज बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। तो इसे कहते हैं प्रेस, तो ये प्लेन प्रेस होती है, एक इंक्लाइन प्रेस, वो उधर है इनकी लाइन प्रेस, ये प्लेन प्रेस है, ये इंक्लाइन ज़्यादा मुश्किल होती है प्लेन से, तो प्लेन ही कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों को फ्लाइज के बारे में बताएंगे, फ्लाइज कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, तो लगाते हैं प्लेन। यह प्लेन लगाने एक दर्जे का मुश्किल है, उसमें जगह समझना और उस पर बैठना बहुत मुश्किल होता है, पर बंदे को सवाल उसके साथ साथ है ना होना चाहिए, आना चाहिए। नहीं नस नहीं आ रही हूँ भाई, सब आधे दिन आती है। तो ये 6 दिन की सीरीज होगी, चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप और लेग, 6 दिन की सीरीज है ये पूरी, इसे जिम सीरीज़ के नाम से करेंगे इंशाल्लाह, अगर हिम्मत जान और मोबाइल बचा रहा, चूँकि यार आजकल के हालात ऐसे नहीं आए मोबाइल घाटने के दिमाग में, तो फिर भी तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए लिखे, तो कोशिश तो आपकी भाई की पूरी है कि पूरी जिम सीरीज़ निकाल के इसी हफ्ते, क्योंकि अब मुहर्रम भी ख़त्म हो रहा है और मैंने 2 हफ्ते का ब्रेक अलग लिया है, वो गलत था, बीच में एक भाई पबजी की वन शॉट वीडियो डाल दी, उसमें वो वन शॉट थी, बीच में ना कुछ काटा ना हो, तो मैंने उसकी फ्रीज़र की करी थी, पर उसमें रिकॉर्डिंग में मेरी ऑडियो पता नहीं क्यों चली गई, मैंने एयरपॉड्स लगाए रहे थे और माइक लगाया हुआ था, तो शायद एयरपॉड्स काम कर रहे थे, माइक काम नहीं कर रहा था, ऐसे ही कुछ हिसाब होगा। सो इसके 3 सेट लगाते हैं, पहली हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी है, चौथी फ्लाइज, टोटल 5 एक्सरसाइज करनी होती है एक दिन में। तो अब हम देखते हैं, इसके बाद फ्लाइज करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। भाई ज्ञान चौथे जी अमन भाई, यू आर लुकिंग पिंकी, सही है, एल्बोस ऐसे बाहर रहेंगे टेढ़े,
अंदर रखते थे एल्बोस। हाँ ऐसा ही है लेकिन एल्बोस ऐसे झूलेंगे नहीं। माइंड में फोकस चेस्ट पर रखना है, लोअर चेस्ट पे जोड़ने का, चेस्ट पर। और एक ही बात, मेजॉरिटी ऑफ द चेस्ट और ट्राइसेप एक्सरसाइज होती है ऑन सेंटर इन। हां सही है, कॉर्नर आइसोलेट। सो भी मैं चेस्ट के साथ ट्राइसेप भी मार सकता हूं अगर मैं चाहूं। हां मैं बेसिकली ट्राइसेप वो ही होता है जिन लोगों का ट्राइसेप अलग अलग एंगल होता है ना, हाथ की ओर, ठीक है, एल्बोस ऊपर नीचे आ रही है, एल्बोस फ्रॉम रखी आपने हाथों की उसका। ट्राइसेप के लिए तो आपके एल्बोस की मूवमेंट नहीं चाहिए, ट्राइसेप के लिए आप सिंपली इसको फ्रॉम रखते हो वैसे ही। हां इसमें क्या है, यू कम हाथ नीचे एल्बोस के, जब भी होंगे तो एल्बोस ऊपर होंगे फिर ये नीचे एल्बोस रहेंगे। हां तो एल्बोस को रिलैक्स हो, एल्बोस को फिक्स नहीं करना, मैं चेस्ट से यूज करना हूं नीचे। ये ऐसे यूं पड़ेगा फिर यूं नीचे, बैक का कोई काम नहीं तो स्टेबिलिटी है नहीं, मतलब बैक ऐसे ही देखो, यू 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 नहीं है तो बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ एल्बोस मूव करेंगे। तो ये अहमद भाई ने नई एक्सरसाइज बताई है आज ही याद करिए, तब ये करते हैं फ्लाइज कैंसिल। नई एक्सरसाइज अहमद भाई ने जो बताई है वो कर रहे हैं, आप लोग भी देखो और सीखो। अहमद प्लीज मुझे गलत नहीं बोलना। कंप्रेशन ठीक है, चाहो तो हाथ को यूं रख लो स्टेबिलिटी के लिए, अपने यूं रख लो बैक के लिए, लेकिन चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करो। सर मुझे निकाल लें, मुझे लेटे हुए बटरफ्लाई लगाने वगैरह लगा। ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग मेरी बचपन की तस्वीर देखने के लिए तरफ रहो। सो ऐसे क्या करोगे यार अजीब सा लग रहा है, अपने बचपन में अजीब सा ही था, हर बच्चा अजीब सा ही होता है अपने बचपन में, मैं लेकिन एक्सट्रीम अजीब सा था। सो तुम लोग मेरी तस्वीर देखो बचपन की और फिर करते हैं इस वीडियो को एक एंड फुल स्टॉप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाजमी कमेंट करें। मिलते हैं जब तक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू।